ये तो जाति चीज करेगा ना। हाँ कहते ये निकाल, अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है कैसा धोखा कर रही है भाई महिंद्रा, भाई स्कैम ही हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। कैसा लगा भाई डिलीवरी व्लॉग? आई नो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। बट जो आज का सीन है भाई, बहुत सारे काम कार की डिलीवरी के बाद भी पेंडिंग हो जाते हैं, वो आपको भी मैं दिखाऊंगा भाई क्या क्या बचे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए हैं, वो भी एक बार पूरे करने हैं, वो भी मैं आपको पूरा समझा दूंगा। अगर आप इन फ्यूचर कार बाय कर रहे हैं आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये भी जरूरी होता है। उसके सिवा बाकी की बातें ना नीचे जाके करते हैं भाई, फिलहाल चलते हैं क्योंकि लेट हो गए। टाइम देख लो 11:30 सुबह से, वही मैं एडिट वगैरह कर रहा था। और हाँ, जो ये थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, वैसे तो सारे ही आ चुके हैं, एक मिसिंग है, ये भी अब कार में रख देता हूँ, नहीं तो चंडीगढ़ जा रहा हूँ चलाना हो जाए। एंड ये रही हमारी कार की चाबी, मुझे तो ये कहना चाहिए न्यू कार की चाबी। ये देखो भाई कीरिंग महिंद्रा वालों ने भेजा था। ये रही हमारी फिश और ये रहा हमारा टफी। बाय, तू नहीं जा रहा अभी, रुक जा भाई। मैं तो एक्साइटेड ही बहुत हूँ देखने के लिए, रात के बाद देखी नहीं। ओ भाई साहब कितनी ज्यादा ह्यूज लगती है पार्किंग में, देख रहे हो? खुल जा सिम, खुल चुकी है, आवाज तो करती नहीं है। लेट्स गो भाई, जो नई कार की स्मेल है ना भाई, लाजवाब, मजा आ जाता है। अपने काम से पहले भाई घर वालों के काम जरूरी होते हैं। इधर मम्मी को छोड़ने आया हूँ, इधर जाएंगे कुछ सामान वगैरह, पता नहीं क्या सीन है, जो भी होता है आंटी को आपको पता ही है। ये देखो भाई क्या हाल है। चलो भाई मम्मी को ड्रॉप कर दिया है, अब डॉक्यूमेंट्स का भी काम करा ले, मतलब की फोटो स्टेट वगैरह कराने। भाई स्कैम ही हो गया, मैं भूल ही गया था हमारी सोसाइटी में तो 2 बजे तक लाइट ही नहीं आएगी, तो इस वजह से फोटो स्टेट वगैरह भी नहीं होगा भाई। फोटो स्टेट की मशीन ही मिल गई कहीं पे, बट चलानी नहीं आती। अब मैं वही सोच रहा हूँ क्या करा जाए, दबा दूं यही वाला बटन, इसमें कुछ लिखा हुआ भी तो नहीं है। इतनी पुरानी मशीन है, मिट रखे हैं सारे, इसमें कोई चलाना पाए, खुफिया मशीन बन जाए, इसलिए कर रखे हैं हिसाब। यार कितनी बढ़िया फोटो आई है यार, क्या लग रहा हूँ भाई मैं, देख लो। ये ज्यादा बंदा स्मार्ट लग रहा है फोटो में, ये ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, क्या कहते हो? एंड यार टैग लगवाने हैं, उधर की साइड से लगेगा, इधर पे करना पड़ेगा यार। अभी कार की डिलीवरी ली है, फास्ट टैग बनवाने हैं, अमरावती से है भाई, पैसे तो लगते ही है, और क्या रोना यार, इतने में पे कर दो, 35 रुपए की बात होती है। मतलब मैंने उसे समझा दिया तो कहता ठीक है भाई हाफ दे दो, मैं ठीक है यार ले लो, अब मैं फास्ट टैग लगवा ही लूंगा, टेंशन नहीं खत्म। जो ऑफिशियल है ना भाई NHAI, उधर से फास्ट टैग बनवाने चाहिए। मतलब हमारे इधर ये सीन है, अगर इधर से बनवाते हैं ना फिर ऑटो डिडक्ट हो जाता है, तो मंथली पास हो, अगर बाहर से कराएंगे हर मंथ इधर आना पड़ता है भाई। आधा घंटा लग गया फास्ट टैग बनने में, बट फाइनली फास्ट टैग बन चुका है, थोड़ा सा इधर थोड़ा ऊपर बस ठीक है। आज मेरे ख्याल से ना इनके सर्वर वगैरह में कुछ दिक्कत थी, बट आपके भाई की हर जगह इतनी ज्यादा बन रखी है ना, मतलब ये नहीं कि यूट्यूब वगैरह के थ्रू, एक होता है ना बोलचाल वगैरह के थ्रू, ये जानती थी मुझे, वही है भाई, अगर आप सामने वाले को अच्छे से ट्रीट करोगे ना, वो भी आपकी उतनी रिस्पेक्ट करेगा। जैसे अब इन्होंने फास्ट टैग लगाना खुद से मतलब चिपकाना बंद कर दिया, मैं कहा भैया आप लगाई दो यार, मेरे पास का तो है नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लग जाएगा। फिर वो लगाने भी आगे भाई, थैंक यू सो मच भैया, अगर बाय चांस आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे तो पता नहीं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा, बट मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ भाई, जो भी आपको मिलता है ना सबके साथ काइंडली बिहेव करो। एंड यार थोड़ी वीडियोस में आपको लगेगा भाई ये कितनी तारीफ कर रहा है, वैसे अभी तक मैंने कोई तारीफ करी नहीं, बट यार जो मजा आ रहा है ना कार चलाने में बहुत ही जबरदस्त। बट कुछ टाइम हो जाए, जो जो मुझे नेगेटिव्स लगेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको भी पता चले कि 2023 में आपको बाइक करनी चाहिए स्कॉर्पियो NBS6 Phase 2। बट एक बात है भाई, स्लॉट 1 से जो इसमें इंप्रूवमेंट्स हुई है ना वो भी बहुत ज्यादा हुई है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा क्या क्या हुई है। एंड टाइटल में भले मैंने शायद से मॉडिफिकेशन वगैरह लिख दियो, बट मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ भाई, जो आज काम कराऊंगा ना बस वो एंड ही होगा, इसके सिवा मैं इसमें कुछ नहीं कराऊंगा। ये वाला वेरियंट लेने का मेरा मेन पर्पस ही था कि बाहर से यार कुछ काम नहीं कराना है, वायरिंग ये वो चीजें ना, जो मजा कंपनी के टॉप मॉडल का है ना भाई वो इसी का है। भले ये Z8 हो, बट Z8L से महंगा ही पड़ा है भाई, क्योंकि ये 4x4 है, इससे ऊपर बस Z8L 4x4 ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ वो आता है, और ये सेकंड पे आ जाता है, नहीं तो इस रेंज में मुझे Z8L ऑटोमेटिक मिल रही थी बट वो 4x2 थी। ये है अपना 4x4, इसका अलग स्वाद आएगा, वो ट्रिप पे हम देखेंगे कितना स्वाद आएगा कितना नहीं। बट यस, काम वगैरह में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कराऊंगा, जो जो काम कराऊंगा ना बिल्कुल ही जेन्युइन वाले काम होंगे भाई, और जेन्युइन एक्सेसरीज जरूरी नहीं है भाई, कंपनी से ही लो, कंपनी में मैट मिल रहे 10,000 के, अब मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा भाई ऐसा काम कराऊंगा ना, आप कहोगे भाई क्या बात है, क्वालिटी टॉप नॉच है भाई। पहुंच चुके हैं 28 सेक्टर, अगर आपको चंडीगढ़ में कुछ भी काम कराना है इधर ही आना पड़ता है, और रास्ते में ना जान के कुछ रिकॉर्ड नहीं करा भाई, जो कार की फील लेने में मजा है ना नई नई कार की, वो ऑफ द कैमरा ही आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के मजे लेने में फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा। बट एनीवे अब कार का काम कराते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सीन है इसका भाई। इधर पार्क करना भी ना एक टास्क ही है, बड़ी औखी पार्किंग हुई, अगेन इधर जानते थे तो उन्होंने लगवा दी भाई। और हाँ भाई सबसे जरूरी बात, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं होगी, अगर मैं करोल बाग जाता तो स्पॉन्सर होती है आई नो, बट भाई चंडीगढ़ में कोई स्पॉन्सर नहीं करता है अनफॉर्चुनेटली, इधर ये वाला ट्रेंड है ही नहीं, तो जो भी होगा ना मैं अपने पैसे से कराऊंगा, मतलब कि आपको जेन्युइनली ही पता चलेगा, तो ये बिल्कुल मत समझना कि भाई स्पॉन्सर वीडियो है। एंड इधर हमने अपनी कार पार्क करी है, और इधर देख लो भाई 80-90 लाख की ग्रैंड चिरोकी खड़ी है, बताओ इसमें भी बाहर से काम हो रहा है यार भाई। ये है इधर देख लो मैट्स वगैरह, आपको पता है कैसे होते हैं, 70 मैट किस रेंज के हैं वैसे? 32,000 से वैसे शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी रेंज है मैट्स की, बट सबसे बढ़िया ना मुझे ये वाले
वाले लगते हैं भाई, ये रफ एंड टफ से होते हैं और ये 5500 के बताए आपने है ना, और डिस्काउंट वगैरह तो भाई मैंने आपको बताया इधर कुछ नहीं होता भाई। ये है रेन वाइजर बट इसमें ना क्रोम है और क्रोम जल्दी खराब हो जाता है। एंड भाई ये है मड फ्लैप्स, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, कंपनी में तो हमने पूछे थे अवेलेबल ही नहीं थे। नाइस यार महिंद्रा। एंड भाई मड फ्लैप तो लग ही रहे थे, ये आ चुके हैं मैट, अब मैट भी लग जाएंगे। एक कंपनी पढ़ लो भाई, ऐसी कुछ कंपनी मतलब कि ब्रांडेड ही है भाई और तभी इतने महंगे भी हैं। इधर लिखो एमआरपी कितना लिखा है, 7410 स्कॉर्पियो एंड ऑटोमेटिक विद बूट। जी हाँ, इसलिए थोड़े महंगे हैं क्योंकि इसमें बूट भी हमारा कवर हो जाएगा। और मैं देख लूँ वैक्यूम की जरूरत तो नहीं है यार, वैक्यूम की जरूरत तो नहीं है भाई। ये देख लो PDI, तभी कह रहा हूँ अच्छे से करनी चाहिए। देखो क्लिप मिसिंग है इधर के, अभी भैया ने बताया जो मड फ्लैप लगा रहे हैं, ये देखो एक ये दो, ये कैसा धोखा कर रही है भाई महिंद्रा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है भाई ये क्या है। अब मैंने देखा नहीं, अब मेरी गलती हुई। बट एक बात सोचो यार, PDI इस चीज की समझ रहे हो, बड़ी मुश्किल से बंदे करते हैं, उधर लग रखे हैं इधर नहीं है। अभी जो मड फ्लैप लगा रहे हैं ना भैया, उन्होंने मुझे बताया अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है, देख लो भाई इतने बुरे हाल है, भले दो पेज मिसिंग है बट भाई 25-26 लाख खर्चे हैं कार पे, फिर भी ये चीजें बताओ ना, तो एक दफा उनके कानों में बजानी चाहिए बात। बिल्कुल बिल्कुल भाई, भैया ने बताया मुझे और भैया भी कह रहे हैं कि कंपनी वालों को बोल लो ये कैसी चीजें हैं, जो गलत है वो गलत है। ये तो जा चिक करेगा ना, हाँ कह रहे हैं ये निकाल इसको, हाँ ये देसी हैं, हाँ और ओरिजिनल चूड़ी वाले होते हैं। थर्ड रो में भी भाई मैट लग चुके हैं, एग्जैक्टली फिटिंग है भाई, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है। ये देख लो इधर भी एग्जैक्टली फिटिंग के आए हैं और आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे भी एग्जैक्टली फिटिंग के ही आए हैं। और जो क्वालिटी है ना भाई बेस्ट, जो 70 मैट होते हैं ना भाई वो टूटने लगे थे, उनके ना नेट वगैरह निकल जाते हैं। बूट का मैट है ना यार वो मैच नहीं हो रहा, ये नहीं समझ आ रहा क्या सीन है, मतलब इसे तो स्कॉर्पियन के लिए ही है फिर भी काटने पड़ेंगे। डिग्गी में दो ऑप्शन होते हैं ना, क्या 6-7 में ही आते हैं तो। अरे फिर चाहे 6-सीटर हो कैप्टन सीट वाली, फिर भी सीट तो ऊपर करनी पड़ेगी, लोग लगेगा ना, हाँ। इतना काट देंगे कोई दिक्कत नहीं होता, सारी काट दो फिटिंग, अब इमरजेंसी में कभी यूज करनी पड़ जाए। हाँ, भाई ये चक्कर है देखो, अब ये बंद नहीं होगी, अगर बंद करनी है तो हमें मैट काटना पड़ेगा। और ये स्कॉर्पियो एन गया जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी, मतलब कंपनी वालों का ही है फिर तो लूप होल। अच्छा बस इतना कट गया, पता भी नहीं लगता। हाँ वही भाई, फायदा ये रबड़ वालों का, अगर वो कपड़े वालों का हो ना उनके धागे दुगे निकलते हैं। अब देखो भाई आई है ना तगड़ी फिटिंग, चलो जी मैटिंग भी डन। मैं वही कह रहा हूँ भाई, जो जरूरी जरूरी काम है ना सिर्फ और सिर्फ वो कराएंगे, जैसे कि मड फ्लैप हो गया, मैट हो गए, अब ये भी डलेंगे, रेन वाइजर है, इनकी कॉस्टिंग है 900 रुपए। और दिखाता हूँ भाई विदाउट क्रोम है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। वही तो भाई, अभी जो बंदा मैट डलवा रहा था कहता थक गया मैं चल गया, अब दूसरे भैया आए हैं, भैया कह रहे क्या करेगा वो जिंदगी में। सही बात है भाई। एंड ये है हमारे रेन वाइजर जो कि है विदाउट क्रोम, मुझे भाई क्रोम के बिना ही चाहिए थे। अब जो कंपनी क्रोम दे रही है वो तो ठीक है, बट आफ्टर मार्केट अगर आप कुछ क्रोम कराते हो ना भाई, उसमें जंग जुंग लगने के ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो इनके लिए ही है, दिखाना। और ये देखो भाई इधर लिखा है 4 Scorpio N जो है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना एस्थेटिकली लिखा है। ये देखो भाई N, ये बढ़िया लग रहा है भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, मैं तो बस ये देखा था विदाउट क्रोम है। ऑल काम डन, बिल भी मैं आपको बताता हूँ भाई, कुछ काम कराया है आप बताओ कितना मिनिमम काम कराया है, बिल्कुल ही बेसिक सा काम कराया है, बट जो बिल आया भाई बहुत ही ज्यादा आया है। बट अगर कंपनी से मैं ये कराता वही नाम नाम का कि जेन्युइन एक्सेसरी, और अभी भी मैंने आपको दिखाई दिया सारा कुछ ही जेन्युइन है, बल्कि ब्रांडेड है मैं ये कहूंगा। आपने ब्रांड्स वगैरह भी सारे देख लिए, गलीलो गुलूलो कौन से होते हैं सारे गूगल पे भी आते हैं भाई, मैंने सर्च कर लिए थे। और यार एक मिनट, मैं इसके फीचर्स क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, एड्रेनोक्स में पहले स्टार्ट कर देता, अभी धीरे धीरे यूज होऊंगा ना तब करूंगा, ठंडी तो रहती कार, बट ठीक है भाई हम वही डाउन टू अर्थ बंदे हैं, ज्यादा फीचर्स में विश्वास नहीं रखते। बट एनीवे भाई अब बिल की बात करें ना, 5500 रुपए के मैट, 600 रुपए के मड फ्लैप, 900 रुपए के रेन वाइजर, टोटल हो चुके हैं 7000। और जो ये परफ्यूम है भाई ये ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री मिल चुका है, बट यार 4x4 में एक डिसएडवांटेज है, अभी मैं कुछ पी रहा था वो कहां रखता मैं समझ रहे हो, तो मैंने पिया और जो वहां पे डस्टबिन था उधर फेंक दिया, बट इधर आप रख नहीं सकते अगर आपने परफ्यूम रख रखा है। और एक चीज मुझे और याद आई, मैं घर की तरफ निकल गया था, बट महिंद्रा में एक डॉक्यूमेंट भी तो लेना है यार। देखो सच बात बताऊं, भले मैंने कार ले ली बट मैं ऐसे नहीं कि सारी तारीफें तरूफे करूंगा, इनकी सर्विस ना भाई इतनी परफेक्ट है नहीं जितनी महंगी हमने कार ली, वो वाला हिसाब किताब है नहीं। और कार में एक दो निगल्स मैंने अभी देखे हैं बट वो अपने आप सही भी हो गए, तो लॉन्ग टर्म में ना मैं आपको पूरा इन डिटेल भी बताऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं, अगर सही हो गए तो ऑब्वियस बात है भाई बढ़िया है, मतलब जैसे अभी सही हो रखी है चीजें सारी। डॉक्यूमेंट्स के लिए चेसी नंबर चाहिए था ना भाई, टाइम हो चुका है 3:30 और जो चेसी नंबर था वो मैं लेके आ चुका हूँ। अब RTO हम
जमा करा सकते हैं, बट चंडीगढ़ का नंबर मिल रहा है इस बार हमें, मतलब कि ले रहा हूँ मैं, मिल तो क्या ही रहे, तो 6 महीने तक का टाइम होता है, तो देखते हैं भाई क्या रहता है, स्पेशल नंबर वगैरह लेते हैं नहीं लेते हैं। बट एक बात मैंने आपसे शेयर करनी थी यार, कि इसमें ना कुछ निगल सा आया है अभी उधर, तब इतना टाइम लग गया, बट मैं वही सोच रहा हूँ कि उसकी वीडियो डालूं या ना डालूं, प्रॉपरली समझूं कि चीज है तो है क्या, लेट्स सी क्या होता है, अभी तो मैं नहीं डालता हूं जो मुझे लग रहा है। फिर क्या हाल है, कैसे लग रहे हैं मैट? डिलीवरी में नहीं आए बंदे पूछ रहे हैं क्या सीन है, ये देख लो जॉब के बंदे हैं, आज भी हाफ डे लेके आ गए। मेन तो टेल गेट खोला, हाँ ये देख, अरे फिर पीछे यही है ना जगह, थर्डरो का तो अलग है। और ये देखो भाई डिजायर में बम्पर टूट गया, क्योंकि भाई लेके गया था चितकुल, ये बजी कैसे थी, पत्थर पे चढ़ गई यार, ये बहुत तीखे पत्थर होते हैं भाई, देखा नहीं था, अच्छा दिखा ही नहीं। बट एनीवे भाई फिलहाल तो मैं घर आ चुका हूँ, एंड आई होप आपको भाई अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली हो और ये चीज समझ आ चुकी हो कि जरूरी नहीं है कि आप जेन्युइन एसेसरी महिंद्रा से ही लगवाएं। बाहर से अगर आप ब्रांडेड एसेसरी लगवा रहे हैं वो महिंद्रा से ज्यादा अच्छी भी हो सकती है और सस्ती, तो मैंने आपको दिखाई दिया कितने ही, मैट ही 10,000 का और टोटल काम हमारा 7,000 का हो चुका है, और आपने सारे ब्रांड्स वगैरह भी देख लिए कि भाई बिल्कुल ही जेन्युइन काम है। बट यार एक बात है, महिंद्रा को ना ये चीजें देखनी चाहिए, मतलब क्या था यार, ये क्या ही था यार, इधर 2 पेज नहीं दे सकते क्या, या फिर भूल गए, जो भी सीन है ये जरूरी देखना चाहिए महिंद्रा को। नो डाउट एक कार वगैरह अच्छी बना रहे हैं, बट जो इनकी कस्टमर सर्विस है ना वो बहुत ही भाई पिछड़ी हुई है। आई नो निगल्स वगैरह हैं थोड़े, बट स्टिल जो है मैं आपको ना रियलिटी चेक दे रहा हूँ, इन फ्यूचर वीडियोस भी ना मैं आपको बहुत ही तगड़ा रियलिटी चेक दूंगा। एंड यस, एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपके पास Z8 है या फिर Z8L है, अगर मैनुअल है Z8 का तो ऑब्वियस अलॉयज डलवाने पड़ेंगे, बट Z8 ऑटोमेटिक है या फिर Z8L है, भाई बाहर से इसके अलावा और कोई काम कराने की ना आपको जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर वो रूल्स भी आने वाले हैं जब आफ्टर मार्केट काम भाई बिल्कुल ही टर्मिनेट कर देंगी कंपनीज, क्योंकि XUV700 का आपने केस देखा ही होगा भाई, क्या हुआ था उस केस में, उन्होंने कह दिया आफ्टर मार्केट वायरिंग है, तो बस काम तमाम हो गया। बट हाँ एक चीज और मिसिंग है अभी इसमें, हमारे भगवान जी वो कुछ स्पेशल ही आएगा, तो आपको इन फ्यूचर वाली वीडियोस में वो भी दिख जाएगा। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।